हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2014 में आई एक कोरियन हाइस्ट मूवी द टेक्नीशियंस को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम किसी कंपनी की बिल्डिंग को देखते हैं। पावर जाने से बिल्डिंग में पूरा अंधेरा हो चुका था। गार्ड्स बिल्डिंग को चेक कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीईओ के रूम में कोई उसकी तिजोरी खोल रहा था। अब गार्ड्स पावर रूम चेक करने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस चोर ने तिजोरी खोल ली थी। उसके अंदर एक एंटिक आइटम रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ गार्ड्स को पावर रूम में वायर कटी हुई दिखाई देती है। सारे गार्ड्स तुरंत सीईओ रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन उनके वहां पहुंचने पर वहां कोई नहीं था। दरअसल वो चोर वेंटिलेटर डक्ट में चला गया था। अब वो डक्ट से होता हुआ दूसरी तरफ निकलता है और गार्ड से बचते हुए छत की तरफ भागता है, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है। अब सभी गार्ड उसका पीछा कर रहे थे। अब वो उनसे छुपता छुपाता छत पर पहुंचता है, फिर एक ग्रिल में रस्सी फंसाकर नीचे जम कर देता है। अगले दिन वो चोर मतलब ली अपने अड्डे पर था। वो स्कल्पचर टूट चुका है। वहां उसका दोस्त कोइन भी था, लेकिन थोड़ी देर बाद ली उस बचे हुए स्कल्पचर को भी तोड़ देता है और लेजर प्रिंटर से उसकी कॉपी बनाता है। दरअसल उसका प्लान था वो ये नकली स्कल्पचर एक मशहूर एंटिक ऑक्शनियर डॉक्टर मिन को बेचेगा। उसके दोस्त को तो यकीन ही नहीं होता, लेकिन अगले दिन दोनों मिन के सामने बैठे थे। लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद मिन अपनी सिक्योरिटी को बुला लेता है। दरअसल वो समझ गया था ये नकली स्कल्पचर है। अब वो पुलिस को बुलाने वाला था। कोइन बाहर जाकर देखता है उसकी सिक्योरिटी ऊपर आ रही थी, इसीलिए वो डर कर कैबिन लॉक कर देता है। लेकिन ली को पता था डॉक्टर मिन नकली चीजों का भी ऑक्शन करवाता है, क्योंकि पिछले महीने उसने हांगकांग में एक नकली वास का ऑक्शन करवाया था। मतलब ये बात सामने आ गई तो मिन तो गया, लेकिन मिन कहता है इसका असली स्कल्पचर मौजूद है, इसीलिए वो इस नकली वाले को बेच नहीं सकता। तब ली उसे असली आइटम की फोटो दिखाता है जो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब अब ये वाला ही असली आइटम है। अब ली को इस स्कल्पचर के बदले $5,00,000 चाहिए थे, जिसमें से 20% मिन का होगा। फिर ली और कोइन बाहर आते हैं, क्योंकि मिन मान गया था। फिर हम पुलिस ऑफिसर गोंग को देखते हैं। उसे एक आदमी का कॉल आता है क्योंकि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन गोंग बताता है उसने डायरेक्टर ओ और उसके खास आदमी पर नजर रखवाई है, इसीलिए वो सेफ है। दरअसल ये आदमी एक डॉन डायरेक्टर ओ के खिलाफ गवाही देने वाला था, लेकिन जब वो सिग्नल पर रुकता है तीन कार आकर उसे घेर लेती है और उसमें से कुछ गुंडे उतर कर उसे पकड़ लेते हैं। अब रात में ओ ने उसे उल्टा लटका रखा था। ये आदमी उसका अकाउंटेंट था जो अब उसके ही खिलाफ गवाही देने वाला था, इसीलिए ओ उसे मरवा देता है। वही दूसरी तरफ ली नकली डॉलर प्रिंट कर रहा था। फिर वहाँ कोइन आता है। वो ली को नोट प्रिंट करने से रोक रहा था, क्योंकि सबसे अच्छी नोट उसने प्रिंट की थी, लेकिन ली उसे दिखाता है उसने नोट प्रिंट कर ली है, वो भी उससे अच्छी। पहले तो कोइन को यकीन नहीं होता, लेकिन चेक करने पर पता चलता है ली सही बोल रहा है, लेकिन इस नोट की इंक अल्कोहल से धुल जाएगी। ली कहता है ये उनकी प्रॉब्लम नहीं बल्कि एडवांटेज हो सकता है। फिर हम एक आर्ट गैलरी में उन्हा नाम की एक लड़की को देखते हैं। ये गैलरी ठीक से चल नहीं रही थी। उन्हा का बॉस बताता है एक लड़का अपनी ड्रीम गर्ल की पेंटिंग ऑक्शन करवाने आया है, जो उसने अपने ख्यालों में देखकर खुद बनाई है। वो लड़का ली ही था, लेकिन उन्हा उस पेंटिंग को देखकर हैरान रह जाती है और ली भी हैरान होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि वो पेंटिंग उन्हा की ही थी। फिर उस आर्ट गैलरी का ओनर और उन्हा आपस में बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था अब ली उन्हा के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उसकी ड्रीम गर्ल है। दरअसल उन्हें ली से कुछ करवाना था, इसीलिए उन्हा अपने बॉस से उसकी पोजीशन और सैलरी 30% बढ़ाने बोलती है। अब शाम को कार में ली कोइन को बताता है उन्होंने उसे गैलरी में $1,000,000 इन्वेस्ट करने बोला है, जिसे वो मान भी गया है। ये एक लीगल इन्वेस्टमेंट होगा। फिर ली बताता है उसने अगली चोरी का प्लान बना लिया है। उसकी अगली चोरी $3,000,000 की होगी, जिसके लिए उन्हें एक अच्छे हैकर की जरूरत है। फिर हम एक हैकर जोंगबे को देखते हैं। वो अपने आसपास के ऑफिस और सुपरमार्केट के सिस्टम को हैक कर लेता है। ये सब वो बस मजे के लिए कर रहा था, तब वहां कोइन आता है। दरअसल उसने रूमर सुने थे कि जोंगबे ने अपने साथियों को धोखा दिया था, जिससे अब वो जेल में है, लेकिन वो कहता है शुरुआत उन्होंने ही की थी। अब थोड़ी बात करने के बाद कोइन उसे ली से मिलाने लेकर जाता है। तीनों एक क्लब में मिलते हैं। पहले ली जोंगबे को बार बार धोखेबाज बोलकर गुस्सा दिलाता है, क्योंकि उसने अपने साथियों को धोखा दिया था, लेकिन बाद में उसे हायर कर लेता है। अब अगले दिन ली और कोइन अपना नया हाइडआउट देखने जाते हैं। उन्हें टर्बो नाम का ये बेवकूफ एक वेयरहाउस दिखाता
रहा है। ये टर्बो नाम का लड़का बिल्कुल कॉमेडियन था, क्योंकि उसने बोला था ये वेयर हाउस उसका है, लेकिन पेपर्स में साफ साफ लिखा था ये वेयर हाउस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन एक साल के लिए कोई भी इसे यूज कर सकता है। ली इस वेयर हाउस को रेंट पर लेने तैयार हो जाता है और टर्बो से यहाँ की सफाई करवाने बोलता है। फिर वो तीनों अपनी अगली चोरी की तैयारी करते हैं। दरअसल अगली चोरी वो एक ज्वेलरी शॉप में करने वाले हैं, जहाँ $3 मिलियन के डायमंड रखे हैं। वो इन टूरिस्ट बनकर शॉप के आसपास की जगह को ध्यान से देखता है और जोंगबे उस एरिया के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास को नोटिस करता है। उसे शॉप के पास की गली में केबल कनेक्शन का एक बॉक्स मिलता है, उससे डिवाइस अटैच करने पर कैमरास अब उसके कंट्रोल में थे। वही कुइन एक शॉप में जाकर वहाँ के कैमरास की पोजीशन और ग्लास को नोटिस करता है। अब रात में कुइन कुछ बना रहा था और जोंगबे ली को बताता है वो एरिया पुलिस सिक्योरिटी कैमरास से कवर है, लेकिन वो उन्हें हैक करके उनकी फुटेज डिलीट कर देगा। यहाँ पता चलता है वो डायमंड्स उस स्टोर के वीआईपी रूम में एक सेफ में रखे है, इसीलिए पहले उन्हें वीआईपी रूम के अंदर जाना होगा, लेकिन ली ने इस बारे में भी सोच रखा था। अब अगले दिन ली उन्हा से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और वो भी उससे इसीलिए मिल रही थी क्योंकि ली गैलरी में इन्वेस्ट करने वाला था। अब कुछ बात करने के बाद ली उन्हा के लॉकेट को देखता है। वो बताती है ये उसके डैड ने उसकी मॉम को दिया था उनके मरने से पहले, लेकिन उन्हा को उस लॉकेट का असली प्राइस नहीं पता था, इसीलिए उस लॉकेट का प्राइस पता करने वो उसी एरिया की एक शॉप में जाते हैं। वहाँ ली चुपके से अपना बैग सोफे के नीचे छुपा देता है। अब सेकंड ओपिनियन के लिए वो उसी शॉप में जाते हैं जहाँ उन्हें चोरी करनी थी। उस नेकलेस का डायमंड बहुत रेयर था, इसीलिए शॉप का मैनेजर उन्हें वीआईपी रूम में लेकर आता है जहाँ ली को वो सेफ दिखाई देती है। बाद में वापस जाते समय उन्हा को लग रहा था ली अपने इन्वेस्टमेंट के बदले उसके लॉकेट को गिरवी रखेगा, लेकिन ली इतना भी कमीना नहीं था। लेकिन यहाँ ली उन्हा से एक प्रॉमिस मांगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए बस वो उस पर यकीन करे। अब रात में डायरेक्टर ओ कुछ पॉलिटिशियन से मिलकर आया था, लेकिन उसे पॉलिटिक्स में नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी। अब इस काम के लिए उसे एक माहिर चोर चाहिए। यह डायरेक्टर ओ अपने किसी दोस्त को याद करता है जिसके लिए ये काम बहुत आसान था, लेकिन वो मर चुका है। अब अगले दिन ओ के आदमी जगह जगह से चोरों को पकड़ कर लाते हैं, लेकिन कोई भी उस तिजोरी को एक मिनट के अंदर तोड़ नहीं पाता। वही दूसरी तरफ ली वीआईपी रूम को याद करता है, उसे समझ में आ गया था वो सेफ कौन सी है। उसके ठीक सामने चोरी का प्लान लगा हुआ था। अब रात में कुइन शराबी बनकर उस एरिया में जाता है और वहाँ की एक शॉप के ग्रिल को शराबी की तरह खींचता है, जिससे शॉप का अलार्म बज जाता है। साथ ही वो शॉप की खिड़की पर एक छोटा सा बम लगा देता है। अब अलार्म बजने से पुलिस उस तरफ निकलती है। उस जगह से कुछ दूरी पर जोंगबे ने कैमरास के जरिए पुलिस पर नजर रखी थी। वही ली और कुइन उस शॉप के साइड की गली में छुपे हुए थे। पुलिस अपना काम कर रही थी तभी कुइन एक बटन दबाता है जिससे उस बैग में आग लग जाती है जो ली ने उस शॉप में छोड़ा था। अब जैसे ही जोंगबे पुलिस के रेडियो सिग्नल कट करता है, कुइन उस शॉप की खिड़की उड़ा देता है जिस पर कुछ देर पहले ही उसने बम लगाया था। साथ ही उस शॉप से धुआं निकल रहा था जिससे पुलिस वालों को लगता है शॉप में आग लगी है। अब सभी पुलिस वाले उस तरफ आ जाते हैं। तब जोंगबे के बोलते ही दोनों उस शॉप की तरफ जाते हैं जहाँ उन्हें चोरी करनी थी। कुइन उसके विंडो ग्लास को काटता है जिससे दोनों अंदर जाते हैं। अब वीआईपी रूम में जाने के बाद कुइन शॉप के सर्वर की पूरी हार्ड डिस्क निकाल लेता है। वही दूसरी तरफ ली उस सेफ में ड्रिल करना शुरू करता है। पूरे पुलिस वाले उस शॉप के पास थे जहाँ आग लगी थी। ली सेफ में ड्रिल कर रहा था, लेकिन जोंगबे बताता है ड्रिल की आवाज बाहर तक आ रही है, मतलब वो शॉप साउंड प्रूफ नहीं है। उस एरिया में कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे, उन्हें भी ड्रिल सुनाई देती है। कुइन ली को रुकने कहता है लेकिन ली नहीं मानता। जोंगबे बताता है पुलिस वाले ड्रिल की आवाज सुनकर उसी तरफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद ली सेफ में होल कर देता है, लेकिन बाहर पुलिस आने वाली थी, इसीलिए ली कुइन से उनका ध्यान भटकाने कहता है और वो खुद सेफ खोलने में लग जाता है। अब कुइन बाहर आता है, पुलिस वाले एक एक शॉप में देख रहे थे। कुइन उनसे छुपते हुए जाकर एक कार की विंडो तोड़कर भाग जाता है जिससे उस कार का अलार्म बजने लगता है और पुलिस वाले उस तरफ आ जाते हैं। वही दूसरी तरफ ली सेफ खोलने में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और कुछ ही देर बाद वो सेफ खोल भी लेता है जिसमें उसे वो डायमंड भी मिल जाते हैं। वही बाहर कुइन जोंगबे के पास आता है, फिर वो ली को लेने जाते हैं और वो आराम से बाहर आ जाता है। उसने अपने फिंगरप्रिंट भी मिटा दिए थे। तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी चोरी कामयाब रही। अब अगले दिन ये खबर डायरेक्टर ओ को मिलती है क्योंकि वो ज्वेलरी शॉप उसकी ही थी। न्यूज़पेपर में लिखा था चोर ने सेफ सिर्फ 5 मिनट में ही खोल ली। अब डायरेक्टर को अपने काम के लिए ली ही बिल्कुल परफेक्ट लगता है। वो अपने आदमी को उन्हें ढूंढने का ऑर्डर देता है। उन्हें ढूंढना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि वो खास किस्म के डायमंड है। उन डायमंड्स में बहुत कम ब्रोकर डील करते हैं। अब उसके आदमी एक एक ब्रोकर के पास जाकर पूछताछ कर रहे थे। फिर
ये खबर गोंग को पता चलती है कि डायरेक्टर ओ की शॉप में चोरी हुई है। अब वो लोग उस बैग को देखते हैं जिसमें आग लगी थी, साथ ही उस शॉप का ग्लास बाहर से टूटा था, मतलब चोरी में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा, मतलब उन्होंने इस चोरी को परफेक्टली प्लान किया। अब गोंग उस एरिया के पिछले हफ्ते की सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है, क्योंकि चोरी करने से पहले चोर उस शॉप में जरूर आए होंगे। फिर टर्बो एक डायमंड लेकर किसी ब्रोकर के पास आता है और कोई बायर मिलने पर उसे इन्फॉर्म करने कहता है। लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ से ओ का आदमी निकलता है, वो टर्बो का पीछा करवाता है। जब टर्बो जाकर ली से मिलता है, उनकी कोई फोटो खींच रहा था। जब ली उन्हा से मिलता है तब वो उन्हा की भी फोटो खींचते हैं। अगले दिन ओ के पास ली की सारी डिटेल आ चुकी थी कि वो अनाथ है, आर्ट स्कूल में पढ़ा है और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन उसे उन्हा कुछ जानी पहचानी सी लगती है। कोइन एक इंजीनियर है जिसके बहुत अच्छे कनेक्शन है। फिर था जोंगबे, वो एक हैकर और कैमरा स्पेशलिस्ट है, उसने अपने पिछले साथियों को धोखा दिया था। वही अपने अड्डे पर कोइन जोंगबे से पूछता है उसने ज्वेलरी शॉप की फुटेज डिलीट की या नहीं। जोंगबे उसे डिलीट कर ही रहा था, लेकिन तभी वहाँ ओ के आदमी आ जाते हैं और उन दोनों को आसानी से पकड़ लेते हैं। अब ओ का मेन आदमी देखता है जोंगबे ने उस ज्वेलरी शॉप की फुटेज अपने फोन में कॉपी कर ली है। अब रात में ली वहाँ आता है, वो उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़ नहीं पाता। वो उसे चेयरमैन ओ के पास लेकर आते हैं। डायरेक्टर ओ ली को उसके लिए एक बहुत बड़ा काम करने कहता है, लेकिन ली सिर्फ खुद के लिए काम करता है। अब उसका इरादा बदलने तक ओ उन्हें कैद करवा देता है। उन्हा ली को कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहा था। वही दूसरी तरफ कोइन ली से ओ को मना करने बोल रहा था, क्योंकि उन्होंने एक बार उसके लिए काम कर लिया तो वो उसके गुलाम बन जाएंगे। कुछ देर बाद ओ का आदमी तीनों को उसके पास लेकर आता है। अब कोइन बहाना बनाकर किसी तरह ओ को मना कर रहा था। पहले ओ उसे धमकी देता है, फिर कोइन को उसकी बहन की फोटो दिखाता है, जोंगबे को उसके डैड की फोटो दिखाता है और ली को उन्हा की। अब मजबूरन उन्हें उसके लिए काम करना ही होगा। ली उस काम के बारे में पूछता है, तब ओ बताता है ये चोरी कम से कम 100 से 150 मिलियन डॉलर की होगी, सारा पैसा कैश होगा। दरअसल ये इलीगल पैसे एक पोर्ट पर रखे हैं। अगर वो लोग ये काम कर लेते हैं तो उन्हें उन डायमंड्स के साथ कैश का 5% भी मिलेगा। अब थोड़ा सोचने के बाद ली ये काम करने के लिए मान जाता है। अब उनके जाने के बाद ओ सभी पर नजर रखने कहता है ताकि वो लोग भाग ना जाए, खासकर ली पर। ओ के काम को लेकर ली और कोइन में बहस होती है, लेकिन ली कोइन को उस पर भरोसा रखने कहता है। वही दूसरी तरफ ऑफिसर गोंग उस एरिया की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। वीडियो में उन्हें ली दिखाई देता है, जाते समय उसके पास एक बैग था लेकिन वापस आते समय बैग गायब था, मतलब उसने ही वो बैग उस शॉप में रखा था। अब पार्किंग लॉट में वो उसकी गाड़ी देख लेते हैं। अब कार की नंबर प्लेट से उन्हें ली के बारे में पता चल जाएगा। वही दूसरी तरफ ओ तीनों को उस पोर्ट के बारे में बताता है। वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पोर्ट है, वह एशिया की सबसे टाइट सिक्योरिटी होती है ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके। फिर ओ बताता है 5 साल पहले जे ग्रुप नाम की कंपनी ने 80 मिलियन डॉलर का स्कैम किया था। ये वही पैसे है जो कोरिया से बाहर नहीं जा पाए। कुछ पॉलिटिशियंस ने झूठ बोला था वो पैसे गायब हो चुके हैं, लेकिन वो पैसे सिक्योरिटी के बीच कंटेनर के अंदर एक तिजोरी में अब भी वही रखे है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। साथ ही वो 80 मिलियन नहीं बल्कि पूरे 150 मिलियन डॉलर है, जिन्हें चुराने के बाद कोई कंप्लेन भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। साथ ही गवर्नमेंट के लिए 150 मिलियन डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे खबर मिली है उन पैसों को जल्द ही वहाँ से हटाया जाने वाला है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। फिर ओ उस कंटेनर के अंदर के जैसी एक सेफ मंगवाता है। ली उस सेफ को देखते ही पहचान लेता है कि वो इसराइल में बनी एल सीरीज की सेफ है। फिर ओ का आदमी उन्हें पोर्ट का ब्लूप्रिंट देता है जिसमें गार्ड प्लान, सिक्योरिटी, टेलीफोन वायर और सीवर सिस्टम की पूरी डिटेल है। साथ ही वो उन्हें आईडीज और व्हीकल पासेस भी देता है। उनके पास वहाँ की फुटेज भी थी जहाँ कंटेनर रखा है। वहाँ 2 गार्ड बंदूकों के साथ तैनात रहते हैं। साथ ही 50 गार्ड हमेशा इमरजेंसी के लिए तैयार होते हैं। गार्ड्स 10 मिनट में ही वहाँ पहुँच जाएंगे, इसका मतलब उनके पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। अब 10 मिनट के अंदर 150 मिलियन डॉलर कैश निकालना नामुमकिन है, उन्हें और टाइम चाहिए। लेकिन ली बताता है इससे भी बड़ी एक और प्रॉब्लम है, अगर उन्होंने सबसे बचकर पैसे चुरा भी लिए तब भी वो चेक पॉइंट से बाहर नहीं निकल सकते और उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते है। लेकिन यहाँ ओ बताता है उसने इस बारे में भी सोच रखा है। फिर वो उन्हें ले जाकर दिखाता है उसने चाइना में एक पेपर कंपनी भी खोली है जहाँ से वो रेगुलरली 10 सेंट्स के कूपन एक्सपोर्ट करवाता है। 2 हफ्तों के अंदर ही उसके पास 33 मिलियन के और कूपन आ जाएंगे, मतलब वो लोग कूपन के बीच डॉलर को छुपाकर आसानी से चेक पॉइंट पार कर सकते हैं। ली को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब रात में ओ का आदमी जोंग
बॉम्बे को उसके पास लेकर आता है। ओ के पास उसका फोन था जिसमें वो फुटेज थी जिसमें ली शॉप की सेफ खोल रहा था, मतलब जोंगबे ने वो सबूत अभी तक अपने फोन में रखा है। ओ को जोंगबे के बारे में सब पता था। तब वो उसे बैग भर के पैसे देता है ताकि ली जो भी प्लान कर रहा है जोंगबे आकर उसे बताए, तब वो उसे और पैसे देगा जिसके लिए जोंगबे आसानी से मान भी जाता है। अब रात में ली छत पर बैठे शराब पी रहा था। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ली एक आदमी के साथ बैठा था। ये ली के गुरु थे, उन्होंने ही उसे तिजोरी खोलना सिखाया था। ली उन्हें काफी मिस कर रहा था। फिर वो उन्हा को कॉल करता है क्योंकि वो कल सुबह उससे मिलने वाला था। अब अगले दिन उन्हा और ली टहल रहे थे लेकिन तभी वहाँ ऑफिसर गोंग आकर उसे पूछताछ के लिए चलने बोलता है। अब ली लगातार उससे शॉप में हुई चोरी के बारे में पूछ रहा था और ली लगातार बोल रहा था उसे कुछ नहीं पता। गोंग के पास सीसीटीवी फुटेज थी जिसमें चोरी के दो दिन पहले वो ब्रीफकेस लेकर वहाँ आया था। इससे ये साबित नहीं होता कि वो चोरी ली ने ही की थी। अब यह ली उसे धमकी देता है, वो उसे बिना वारंट यहाँ लाया है, इस वजह से वो उस पर केस कर सकता है। अब कोई भी पक्का सबूत ना होने पर गोंग उसे धमकी देकर छोड़ देता है। बाहर निकल कर ली उन्हा को कॉल लगाता है लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती। वो घर आकर ओ को कॉल करके कहता है उसे प्लान आगे बढ़ाना है। उसके ठीक सामने उसने पूरा प्लान दीवार पर लगा रखा था। अगली सुबह ओ और उसका आदमी ली के घर आते हैं लेकिन लिफ्ट के पहले उन्हें सादे कपड़ों में पुलिस वाले दिखाई देते हैं। इसीलिए ई लिफ्ट रोक कर बीच में ही उतर जाता है और अपने आदमी से ली को बाहर लाने कहता है। वो जाकर ली से पुलिस वालों के बारे में पूछता है। ली बताता है पुलिस को उस पर शक है कि उसने ही ज्वेलरी शॉप में चोरी की है। वो उसे अपने प्लान के सारे सबूत मिटाकर 5 मिनट में यहाँ से चलने बोलता है। वही नीचे पुलिस वालों ने गोंग को बुला लिया था क्योंकि यहाँ डायरेक्टर ओ आया है। गोंग को पूरा शक था ओ ली से ही मिलने आया होगा। वही ऊपर ली उस आदमी के साथ मिलकर अपना प्लान निकाल रहा था। वही ऊपर ऑफिसर गोंग आ चुका था। वो दरवाजा खोलकर ली के घर में जाता है लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था क्योंकि वो दोनों दूसरे रास्ते से नीचे जा चुके थे। ऊपर पुलिस वाले ली का घर चेक कर रहे थे। वहाँ उन्हें एक दरवाजा मिलता है जिसे खोलने पर अंदर दीवार पर बहुत सारी फोटोज लगी थी। वहाँ उस पोर्ट का ब्लूप्रिंट भी दीवार पर लगा था, साथ ही कैलेंडर पर 14 तारीख का मार्क लगा था। तब गोंग को समझ में आता है पोर्ट पर 14 तारीख के दिन कुछ होने वाला है, शायद तब वो डायरेक्टर ओ को पकड़ सकता है। वही ली ओ को अपना प्लान बताता है। वो पोर्ट की एक तरफ ब्लास्ट करेंगे जिससे सभी का ध्यान उस तरफ होगा और वो दूसरी तरफ अपनी चोरी को अंजाम देंगे। अब अंदर बम रखने के लिए ली इन्वायरमेंट ऑफिसर विजिट के नकली डॉक्यूमेंट बनाता है और को इन ब्रीफकेस में एक रिमोट बम बनाता है लेकिन ओ उसे 2 बम बनाने कहता है। अब अगले दिन को इन जोंगबे और ओ का आदमी इन्वायरमेंट ऑफिसर बनकर पोर्ट में जाते हैं। ऑफिशियल परमिशन होने की वजह से सिक्योरिटी और सीसीटीवी पर नजर रखने वाले गार्ड उन्हें असली समझते हैं। अब तीनों वहाँ घूम रहे थे। गो इन उनके सर्वर में एक छोटा बग लगाता है। जोंगबे भी उनके सर्वर में कोई डिवाइस कनेक्ट करता है जिससे वो भी सीसीटीवी कैमराज देख सके। साथ ही ओ का आदमी एक जगह वो ब्रीफकेस रख देता है जिसमें बम लगा है। फिर जोंगबे बताता है ब्लास्ट होने के बाद वो पोर्ट के सिस्टम को खराब कर देगा, इसीलिए उन्हें अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना होगा। सिस्टम के रिबूट होने में 45 मिनट लगेंगे, मतलब उनके पास चोरी करने के लिए 45 मिनट होंगे। अब रात में ली उस सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे खोल नहीं पाता। कोई इन बताता है उसे 10 मिनट ड्रिल करने मिलेंगे और 5 मिनट सेफ खोलने के लिए मिलेंगे लेकिन ली फील्ड पर ही ठीक काम करता है, ये प्रैक्टिस वगैरह उससे नहीं होती। लेकिन ली को शक है ये सब खत्म होने के बाद वो अपना वादा नहीं निभाएगा। लेकिन को इन कहता है उनके पास कोई चॉइस नहीं है लेकिन ली कहता है उसने कुछ सोच लिया है। फिर ली बताता है उसने ऐसा रास्ता ढूंढा है जिससे वो पूरे $150 million रख सकते हैं। दरअसल उसने एक नकली डॉक्यूमेंट से नकली पेपर कंपनी बनाई है। उन्हें बस ये करना है जो कूपन ओ अपने कंपनी के नाम से बुलाने वाला था, बस उसकी जगह उन्हें कंटेनर को अपनी कंपनी का बताना है और वो $150 million सीधा उनके बताए एड्रेस पर डिलीवर होंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था एक डिवाइस की मदद से जोंगबे उनकी बातें सुन रहा था। जोंगबे जाकर उनका सारा प्लान ओ को बता देता है। पहले जोंगबे को लगता है ये काम वो उसके बगैर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सिस्टम हैक करना होगा, लेकिन ओ बताता है ये काम वो बिना हैकिंग से भी कर सकते हैं। अब उसे ली का सारा प्लान समझ में आ गया था। वही ऑफिसर गोंग ने ओ के एक वेयर हाउस पर नजर रखवाई थी लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ पता नहीं चलता। फिर ओ का आदमी उसे उन्हा की डिटेल बताता है। तब उसे पता चलता है उन्हा उसके दोस्त की बेटी है जिसे उसने खुद मारा था और ली शुरुआत से ये सब उसे फंसाने के लिए प्लान कर रहा है लेकिन फिलहाल उसे ली की जरूरत है इसीलिए वो उसे कुछ नहीं करता। वही दूसरी तरफ ली उन्हा से मिलने जाता है लेकिन वो उससे नाराज थी क्योंकि कई दिनों से ना ही ली उससे मिला
था, ना उसका कॉल रिसीव किया था, और वो उस पर यकीन क्यों करे क्योंकि वो उसके लिए बस एक इन्वेस्टर है। साथ ही उसे लग रहा था ली कोई गलत काम करता है। तब ली उसे बताता है ये सब वो उसके ही फादर और उसके लिए कर रहा है। अब तक उन्हा को लग रहा था उसके फादर की मौत एक्सीडेंट में हुई थी, दरअसल उन्हा के फादर ही ली के गुरु थे। अब यहाँ वो फ्लैशबैक कंटिन्यू होता है। ली उस रात उन्हा के फादर के साथ बैठा था, वो उन्हा को याद करके बहुत दुखी थे, उनकी ड्रिंक भी खत्म हो गई थी, इसीलिए और शराब लेने ली दुकान गया। लेकिन जब वो वापस आ रहा था तब उसने देखा उसके डैड जमीन पर पड़े थे। अब प्रेजेंट में ली बताता है उसे डायरेक्टर ओ पर शक है कि उसी ने उसके डैड को मरवाया है, इसीलिए ली उसका काम खत्म होने तक उसे कहीं छुपने कहता है। लेकिन उन्हें नहीं मानती क्योंकि शुरुआत से ली उससे झूठ बोलता आ रहा है, और उसे लग रहा था अपनी अगली चोरी में वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा है, और अब वो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। ली उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन उन्हें नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेकिन अपनी कार में बैठते ही ओ का आदमी उसे किडनैप कर लेता है। अब वो ओ के कब्जे में थी और इसके बारे में ली को खबर भी नहीं है। वही गोंग की टीम पूरी रात ली के घर में मिले एविडेंस पर काम करती है लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता। वही अगले दिन वेयर हाउस में ओ का आदमी उसे पोर्ट से अपनी कूपन निकालने का बिल ला कर देता है। उसके पास बॉम्ब का एक और बैग भी था। तब ली भी उसे देख रहा था। अब चोरी का दिन आता है, वो पोर्ट जाता है, उसके पास अंदर जाने की परमिशन थी। दूसरे रास्ते से टेलीफोन रिपेयर करने के बहाने जोंगबे पोर्ट पर आता है जिसकी परमिशन उसके पास पहले से थी। फिर ओ अपनी कार पार्किंग में लगाकर अपने पास का रेडियो ऑन करता है। वही दूसरी तरफ जोंगबे अपनी जगह पहुंचता है और वहां कुछ दिन पहले लगाए डिवाइस की मदद से वहां का सिस्टम हैक करता है। उसके बोलते ही ओ वहां रखे बम को ब्लास्ट करता है जिससे पोर्ट पर एक जोरदार धमाका होता है। फायर फाइटर्स तुरंत उस जगह के लिए निकलते हैं। उस ब्लास्ट से पोर्ट पर काम करने वाले सभी लोग पैनिक होकर बाहर भाग रहे थे। ज्यादातर पोर्ट का स्टाफ खाली हो गया था। फिर वहां पोर्ट की पुलिस आती है लेकिन उन पुलिस की गाड़ियों में एक गाड़ी ली की भी थी। अब उनके अंदर आते ही जोंगबे पोर्ट के सिस्टम को क्रैश करने लगता है। दूसरी तरफ ली के साथ ओ के आदमी उस विंग तक पहुंच गए थे जहां पैसे रखे हैं। लेकिन उससे पहले वो सब एक कंटेनर में से वो कूपन्स निकालते हैं। वो अपने साथ एक केमिकल भी लाए थे जिसमें वो आधे कूपन को खत्म कर देते हैं जिससे कूपन की क्वांटिटी पैसों के साथ मिलकर बराबर हो जाए। वही दूसरी तरफ सिस्टम काम न करने से वहां का स्टाफ उसे रीसेट कर देता है जिससे वहां के सभी कैमराज उस कंटेनर के पास लगी लेजर सभी बंद हो जाती है। पोर्ट की बाकी सिक्योरिटी लोगों को बाहर ले जा रही थी और बाकी सिक्योरिटी उस धमाके की जगह जा रही थी। सब बिजी थे और अब कैमराज भी बंद है। जोंगबे उन्हें बताता है सिस्टम को रिस्टार्ट होने में 40 से 45 मिनट लगेंगे, मतलब उनके पास इतना ही टाइम है। अब ओ के बोलते ही वो उस विंग में जाते हैं जहां पैसों का कंटेनर रखा है। उस समय चेक पॉइंट पर बस दो गार्ड थे जिन्हें ओ के आदमी आसानी से संभाल लेते हैं। फिर उन्हें अंदर भेजकर गार्ड की जगह ले लेते हैं। अब वो लोग उस गोडाउन तक पहुंच गए थे जहां वो कंटेनर रखा है। उसे खोलते ही सामने तिजोरी का दरवाजा था। अब यहां ली का काम शुरू होता है। उनके पास सिर्फ 45 मिनट है। सबसे पहले ली और कोइन सेफ के दरवाजे में होल करना शुरू करते हैं। वही सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा था। बाहर फायर फाइटर्स आग बुझा रहे थे। अब बड़ी मुश्किल से उस सेफ में होल होता है लेकिन इस काम में उन्हें 10 मिनट लग गए थे। अब उनके पास 35 मिनट है। ली उस होल को ठंडा करता है। वही दूसरी तरफ ऑफिसर गोंग को पोर्ट पर हुए ब्लास्ट के बारे में पता चल चुका था। वो भी पोर्ट ही जा रहा था, उसके साथ पुलिस फोर्स भी थी। अब ली उस सेफ को खोलना शुरू करता है लेकिन काफी कोशिश के बाद भी वो सेफ नहीं खुलती। अब उनके पास आखिरी चांस था। अगर अब ली ने सेफ नहीं खोला तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा कि वो पैसों को यहाँ से हटाकर कूपन की जगह रख सके। वही दूसरी तरफ जोंगबे पानी के पास किसी चीज की तैयारी कर रहा था। वही ली को इनको शांत करवाता है और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सेफ का डायल घुमाता है। फिर उसे अनलॉक की आवाज आती है। अब ली सेफ का दरवाजा खोलने आगे बढ़ता है और सरप्राइजिंगली उसने सेफ खोल ली थी जिसमें पूरा कैश भरा हुआ था। अब वो बहुत खुश होते हैं। वो कि कुछ आदमी बोट के साथ पानी में रेडी थे। अब उनके पास 25 मिनट बाकी है। वो उसी पुलिस कार में पैसे भरने लगते हैं। फिर उन पैसों को जोंगबे के पास लेकर आते हैं। उसके पास नीचे पानी पर बोट में लोग रेडी थे। वो पैसों को बोट से दूसरे विंग तक लेकर जाते हैं। फिर उन पैसों को कूपन के कंटेनर में रखते हैं। वही पोर्ट पर ऑफिसर गोंग भी पहुंचता है। अब सिस्टम रिबूट होने में 7 मिनट बाकी थे और पैसे निकालने की आखिरी ट्रिप बची थी। वो लोग पैसे भर ही रहे थे लेकिन उस तरफ ऑफिसर गोंग आ जाता है। उन लोगों को अंदर जाकर चेक करना था। वो अपने आदमी को गोंग को अंदर जाने देने कहता है वरना उसे शक हो जाएगा। अब गोंग उस विंग के अंदर आ रहा था। तब ली उस पुलिस कार को कंटेनर के पीछे छुपा
देता है। उसके कार छुपाते ही गोंग वहां से गुजरता है। अब 3 मिनट में सिस्टम रिबूट होने वाला था। जोंगबे बताता है उन्हें जल्दी ही वहां से निकलना होगा, वरना वो लोग पकड़े जाएंगे। उनकी सांस अटकी हुई थी। वहां एक राउंड लगाकर गोंग चला जाता है। उसके जाते ही ली गाड़ी बाहर निकालता है। अब उनके पास सिर्फ 30 सेकंड्स थे। ली तुरंत वहां से निकलने लगता है और सिस्टम के स्टार्ट होने के ठीक 1 सेकंड पहले ही वो उस विंग से निकल जाते हैं और सब चैन की सांस लेते हैं। वही गोंग को भी कुछ नहीं मिला था। फिर ली पैसों को पानी के पास लाता है, लेकिन तभी ओ को रेडियो से पता चलता है पुलिस उस विंग में चेक करने आ रही है जहां अभी ली और बाकी लोग है। ली देखता है स्वाट टीम वहां आ चुकी है। वो तुरंत अपनी वैन में से पुलिस की लाइट और स्टिकर निकाल लेते हैं और वो भी बोट से वहां से भागने वाले थे, लेकिन वो उनके काफी करीब आ गए थे, इसीलिए ली उनके साथ नहीं जाता बल्कि उन्हें बचाने के लिए पुलिस के सामने से भागता है। अब ऑफिसर आगे जाने के बजाय ली का पीछा करने लगते हैं, लेकिन इतने सारे कंटेनर के बीच ली उन्हें चकमा दे देता है। अब वो अपने कपड़े बदलता है क्योंकि अंदर उसने पहले ही दूसरे कपड़े पहन रखे थे। उसने ओ का ईयर पीस भी फेंक दिया था। ओ समझ जाता है अब ली अपना प्लान स्टार्ट करेगा। अब ली वहां से बचते हुए पोर्ट के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस बिल्कुल खाली था। फिर ली वहां के सर्वर में उन कूपन के कंपनी और डिलीवरी एड्रेस बदलने लगता है, लेकिन वहां ओ पहुंच गया था। वो बताता है उसे ली के प्लान के बारे में बहुत पहले से पता था। वो सर्वर बंद कर देता है। अब यहां दोनों एक दूसरे को धोखा देने के लिए दोष दे रहे थे, लेकिन ली कहता है शुरुआत उसने ही की थी क्योंकि उसी ने उसके गुरु मतलब उन्हा के डैड को मरवाया था, लेकिन ली को पता नहीं था उसने उन्हें क्यों मरवाया। तब हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब ली दारू लेने बाहर गया तब ओ का आदमी वहां आ रहा था। उसने जाकर पहले उन्हा के डैड का गला घोटकर खून किया, फिर उनकी लाश नीचे फेंक दी। अब प्रेजेंट टाइम में ओ ली को गन पॉइंट पर बाहर लाता है। वो बताता है उसने उन्हा के डैड को अपने लिए बस एक आखिरी काम करने बोला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए उसने उन्हें मरवाया था। लेकिन ली कहता है उन्हें अच्छे से पता था उस जैसे लोगों के लिए कोई आखिरी काम नहीं होता। तब ओ उसे उन्हा का लॉकेट दिखाता है, मतलब उन्हा उसके कब्जे में है। अब वो उसे अपनी कार में बैठने कहता है। कार में बम का एक और ब्रीफकेस था। ली समझ जाता है वो उसे दूसरा बम लेकर ब्लास्ट की जगह जाने बोलेगा, लेकिन अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो और उसने उन्हें सब सच बता दिया तो। लेकिन ओ उसे धमकी देता है अगर उसने पुलिस को कुछ भी बताया तो उन्हा नहीं बचेगी, मतलब या तो ली पुलिस के हाथों मारा जाएगा नहीं तो आतंकवादी घोषित हो जाएगा। अब ली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो वैसा ही करता है। उसके जाते ही ओ वॉकी टॉकी से पुलिस को ली की कार और उसकी लोकेशन बता देता है। अब पुलिस वाले उसे टेररिस्ट समझकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ एक लंबा चेस सीन होता है जिसमें ली किसी तरह पुलिस से बच रहा था, लेकिन वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। एक जगह आकर पुलिस उसे घेर लेती है और उसकी दूसरी तरफ समुद्र था। वहां ऑफिसर गोंग भी पहुंचता है। अब ली के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो ब्रीफकेस लेकर बाहर निकलता है। सब लोगों ने उस पर गन पॉइंट की हुई थी। गोंग उसे ब्रीफकेस नीचे रखने कहता है, लेकिन ली ब्रीफकेस लेकर समुद्र की तरफ भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जंप करता है कोई उसे शूट कर देता है। सभी लोग उसे पानी में ढूंढ रहे थे। ये खबर ओ को पता चलती है और वो अपने मोबाइल से उस ब्रीफकेस को भी ब्लास्ट कर देता है। धमाके की आवाज जोंगबे और कुइन को भी आती है। वो दोनों एक कंटेनर में थे। तब ओ उन्हें बताता है ली को पुलिस ने मार गिराया। ये सुनकर कुइन बहुत दुखी था, लेकिन जोंगबे ली को गालियां देकर हंस रहा था। अब ये सुनकर कुइन और उसके बीच बहस हो जाती है। तब कुइन उसे पंच मार देता है, लेकिन जोंगबे उस पर चाकू से हमला कर देता है। जब ओ के आदमी आकर देखते हैं वह जोंगबे ने कुइन को मार दिया था। फिर जोंगबे हंसते हुए कुइन को उसी कंटेनर में बंद कर देता है और ये सीन यही कट होता है। अब ये न्यूज मीडिया में भी आ चुकी थी। अब अगले दिन ओ के पास वो कूपन का कंटेनर डिलीवर होता है जिसमें कूपन की जगह पैसे थे। अब ओ उन पैसों को देखने जाता है, लेकिन उसे एक शॉक लगता है। वहाँ पैसे नहीं बस वही कूपन थी, वहाँ एक भी नोट नहीं थे। और सिर्फ वो नहीं बल्कि उसका आदमी और जोंगबे भी एकदम हैरान थे कि पैसे कहाँ गए। तभी उसे ली का कॉल आता है, मतलब वो जिंदा है। अब ओ उससे अपने पैसे मांगता है, तब वो उसे कुछ नहीं करेगा। ली के ना मानने पर वो उन्हा को मारने की धमकी देता है, लेकिन ली को उन्हा की कोई परवाह नहीं थी, वो जो चाहे उसके साथ कर ले। फिर ओ उसे धमकी देने की कोशिश करता है, लेकिन ली को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी उन्हें पुलिस सायरन सुनाई देता है, मतलब पुलिस ओ को गिरफ्तार करने आ रही है। तब उसका मेन आदमी अपने सभी गुंडों को जमा करता है, यहाँ तक कि उन्हा पर नजर रखने वाला आदमी भी बाहर चला जाता है। सब गुंडे बाहर जमा हो जाते हैं, लेकिन इस बार गोंग के पास वारंट था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गोंग के पास एक
पार्सल आता है जिसमें एक रिकॉर्डर था। उसमें ओ की आवाज थी जब वो पोर्ट में चोरी करने का प्लान बना रहा था, और ये आवाज उस एंटिक स्क्रप्चर में रिकॉर्ड हो रही थी जिसे ली ने मूवी की शुरुआत में चुराया था। दरअसल उसने उस नकली स्क्रप्चर के अंदर एक माइक लगा रखा था और उसे ऑक्शन में ओ ने ही खरीदा था। ली को पता था इस तरह के स्क्रप्चर ओ को बहुत पसंद है। अब ये सबूत गोंग के लिए काफी था ओ को जेल पहुंचाने के लिए। वो सीधा गेट तोड़कर अंदर आता है। अब यहाँ पुलिस और ओ के गुंडों में हाथापाई शुरू हो जाती है। ओ का मेन आदमी उसे अपने साथ लेकर जाता है। वो समझ गए थे ये ली ने ही किया है, अब उन्हें उन्हा की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वो उन्हा को मारने कहता है और एक सीक्रेट रास्ते से वहाँ से चला जाता है। अब वो आदमी ऊपर आता है, वो अकेला ही पुलिस वालों पर भारी पड़ रहा था। वही दूसरी तरफ उन्हा के पास कोई पहुँचता है, लेकिन ये जोंगबे था। जोंगबे उसके हाथ खोलता है और उसे जल्दी यहाँ से चलने कहता है। उन्हा के पूछने पर वो बताता है उसे ली ने भेजा है, मतलब जोंगबे ली के लिए ही काम कर रहा था। अब जोंगबे उन्हा को ले जा रहा था, लेकिन वहाँ ओ का आदमी पहुँच जाता है। जोंगबे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब वो उसे शूट करने वाला था। लेकिन तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर पहुँच जाता है और उसे गन नीचे करने कहता है। उसके ना मानने पर वो उसे दो बार शूट कर देता है, और मौका देखते ही जोंगबे और उन्हा वहाँ से भाग जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। बाहर आने पर जोंगबे देखता है ओ पिछले रास्ते से भाग रहा था। वो तुरंत ली को कॉल करता है। वही बाहर ऑफिसर गोंग भी ओ की कार को जाते हुए देख लेता है। अब कुछ देर बाद ही उसे ली का कॉल आता है। ओ ली से बस इतना पूछता है उसने ये कैसे किया। तब ली उसे बताता है वो बेवकूफ है, क्योंकि उसके लिए नकली को असली में बदलना और असली को नकली में बदलना बहुत आसान है। दरअसल जब पुलिस ने ली को घेर लिया था तब वह स्वॉट टीम के रूप में एक उसका ही आदमी था। ली के जैकेट में एक डिवाइस लगा था, जब उसने जंप किया उसके आदमी ने बटन दबाया जिससे ऐसा लगा जैसे उसे गोली लगी है। उसके जंप करते ही उसका आदमी वहाँ से भाग गया। दरअसल वो आदमी टर्बो था, उन्होंने भी पहले ही एक स्वॉट टीम की वैन बनाई थी। जब पुलिस स्वॉट टीम के साथ अंदर आई तब वो भी अंदर आए। बोट के पास स्वॉट टीम नहीं बल्कि वो लोग ही आए थे। फिर उन्होंने उस वैन के बगल में अपनी वैन लगाई। आपको याद है मूवी की शुरुआत में कुईन और ली नकली नोट छाप रहे थे जिसकी इंक अल्कोहल से निकल जाती है। ली ने टर्बो के साथ मिलकर प्लान बनाया था, वो उसे एक प्रिंटर देगा, उसे आधे घंटे में $50 मिलियन छापने होंगे। और उस इंक की सबसे खास बात तो ये थी वो प्रिंट करने के कुछ देर बाद आती है। टर्बो ने तुरंत असली नोट को कूपन में प्रिंट करना शुरू कर दिया। फिर जब ओ के लोग उस वैन को वहाँ से ले गए और कूपन को कंटेनर में रखा, उनके रखते ही वो असली नोट कूपन में बदल गए। मतलब जिन्हें ओ कूपन समझ रहा था वो असली ही नोट थे, उनके नीचे बिना प्रिंट किए नोट थे, लेकिन उन्होंने नीचे के नोट देखे ही नहीं। वही प्रेजेंट में पुलिस ओ के सभी आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो जाकर उस कंटेनर को देखते हैं जिसमें सिर्फ कूपन्स थे। तभी वहाँ कुईन और जोंगबे नकली एविडेंस पुलिस बनकर पहुँचते हैं और उस कंटेनर को वहाँ से ले जाते हैं। दरअसल जब ली जोंगबे से पहली बार मिला था उसे उन्हें धोखा देने का नाटक करना होगा। उसके मोबाइल में चोरी का वीडियो रखना, उसे ओ का बुलाना, उसका ओ को उनका पूरा प्लान बताना, सब ली का ही प्लान था। यहाँ तक कि कुईन को मारना भी बस एक नाटक था ताकि वो उसे वही छोड़ दे, क्योंकि बाहर ले जाकर ओ उसे मरवा देता। कुछ देर बाद किसी दूसरी तरफ से ली बाहर निकलता है और बाद में टर्बो और उसके आदमियों ने ली को जाकर रिसीव किया। फिर किसी जगह उनसे ली मिलने आया। वहाँ कुईन ली पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने उसे प्लान के बारे में बताया ही नहीं था। अब फ्लैशबैक खत्म होने पर ओ ली को धमकी देने लगता है, लेकिन तभी ली आकर उसकी कार को टक्कर मारता है। फिर ली बाहर निकलता है और ओ के गन लेने से पहले खुद उसकी गन ले लेता है। अब ओ लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है। फिर ली उससे उन्हा का लॉकेट मांगता है। फिर ली उसे शूट करने का नाटक करता है, लेकिन ली उसके जैसा नहीं है। उसने पूरा इंतजाम कर दिया है कि ओ कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। ली उसके गन की सारी बुलेट फेंक देता है। फिर वह टर्बो टोइंग वैन लेकर आता है। फिर ली उन्हा का लॉकेट और अपनी कार लेकर चला जाता है। उसके जाते ही वह गोंग पहुंचता है और ली को फाइनली गिरफ्तार करता है। फिर हम देखते हैं पुलिस उस आदमी की लाश ढूंढ लेती है जिसे मूवी की शुरुआत में ओ ने मरवाया था। फिर गोंग ओ को बताता है उन्हें इतने सबूत मिल गए हैं जिसके जरिए अब वो कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। वही दूसरी तरफ कुईन जोंगबे टर्बो और उसके साथी उन कूपन्स पर अल्कोहल स्प्रे करते हैं और कुछ ही देर बाद वो कूपन पैसों में बदलने लगते हैं। ये देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे और उन पैसों में खेलने लगते हैं। फिर हम उन्हा को देखते हैं, वो ली के कॉल का वेट कर रही थी, लेकिन तभी उसकी डोरबेल बजती है। उसके दरवाजे के बाहर एक बैग रखा था। उस बैग
बैग में बहुत सारे पैसे थे, साथ में एक नोट पर लिखा था उसके वादे के मुताबिक ये उसका इन्वेस्टमेंट है। अब कुछ समय बाद उन्हा अबू धाबी आती है क्योंकि उसे वहाँ एक आर्ट गैलरी में कुछ काम था जिसके बारे में उसने ली को भी बताया था। अब वहाँ के लोग उसे गैलरी के आइटम दिखा रहे थे लेकिन तभी उसे उन आइटम्स में अपना लॉकेट दिखाई देता है। वो यहाँ ली को ढूंढने लगती है, यहाँ उसे खुद की पेंटिंग भी दिखाई देती है। फिर वहाँ ली आता है, वो कहता है उसने पेंटिंग में उसे ज्यादा ही खूबसूरत बना दिया। फिर दोनों मिलते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।